हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक विद जगदीश। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ज्वाइनिंग लेटर देखने वाले हैं, है ज्वाइनिंग लेटर फॉर स्कूल टीचर जॉब। स्कूल टीचर जॉब पर एक ज्वाइनिंग लेटर देखेंगे, तो आपको लेटर कुछ इस प्रकार लिखना है। पहले टू द प्रिंसिपल और डीन, स्कूल नेम, देन एड्रेस, सब्जेक्ट लिखना है एंड इंटीमेशन फॉर ज्वाइनिंग ऑन ड्यूटी। यहाँ पर इंटीमेशन मतलब होता है सूचना। हमको अपॉइंटमेंट लेटर पहले ही मिल चुका है और हम ये लेटर केवल सूचना देने के लिए लिख रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट हमें मिल चुका है। माय रिस्पेक्टेड सर मैम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू फॉर्मली एक्सेप्ट योर ऑफर टू ज्वाइन स्कूल या फिर कॉलेज एज एन इंग्लिश टीचर और प्रोफेसर। मैं ये पत्र लिख रहा हूँ टू फॉर्मली मतलब होता है औपचारिक रूप से, फॉर्मली औपचारिक रूप से। मैं ये लेटर लिख रहा हूँ टू फॉर्मली एक्सेप्ट, औपचारिक रूप से स्वीकार करने का ऑफर टू ज्वाइन स्कूल कॉलेज, स्कूल और कॉलेज ज्वाइन करने के लिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ एज एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर के तौर पर या फिर प्रोफेसर। विद रेफरेंस टू मतलब होता है के संदर्भ में। विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र सेंट बाय यू, आपके द्वारा नियुक्ति पत्र भेजने के संदर्भ में। आई विल बी ज्वाइनिंग योर एस्टीम्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एज अ टीचर और प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू के संदर्भ में, आपके द्वारा दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र के संदर्भ में मैं ज्वाइन करूँगा आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को एज अ टीचर, टीचर के तौर पर या फिर प्रोफेसर के तौर पर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के डिपार्टमेंट में ज्वाइन करूँगा। आई एश्योर यू, एश्योर मतलब होता है आश्वासन देना। मैं आपको आश्वासन देता हूँ दैट कि माई एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड और कार्य एक्सपीरियंस विल हेल्प मी कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान, हेल्प करेगा योगदान देने में एज एन एजुकेटर टू योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। योर सिंसियरली, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर एंड एड्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।